मेरे साथ महिपाल सिंह भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। महिपाल जी, 2014 में बंपर वोटिंग, 76% वोटिंग हुई, 2019 में 68% वोटिंग हमने देखी, 2024 में आपकी नज़र में मौजूदा जो अभी देख रहे हैं हम कि 22% के करीब 12-20 का टाइम हो चला है, मतलब 22% वोटिंग अभी तक पूरे हरियाणा में देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको 2019 से ज़्यादा वोटिंग की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आमतौर पे ये ट्रेंड होता है कि जब कभी बदलाव की बात होती है तो वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। 2014 में चूंकि लोग कांग्रेस से बदलाव चाह रहे थे तो उस समय वोट परसेंटेज बढ़ गया था। कहना अभी बहुत जल्दी और होगा क्योंकि अभी आधा दिन भी नहीं निकला है, एक भी नहीं बजा है। 2019 में चूंकि लोग डायलिमा में थे कि हम कांग्रेस को दें, क्योंकि उस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही लोगों का इतना रुझान नहीं था कि हम किसको वोट दें। उसी कन्फ्यूज़न में पिछली बार सीट का आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस को जहां 31 सीट मिली, बीजेपी को 40 सीट मिली। जिस बीजेपी को 4 महीने पहले 10 में से 10 पार्लियामेंट की सीट मिली थी, उसे असेंबली तक आते आते 18% वोट परसेंटेज डाउन हो गया था उसका। तो मतलब ये है कि जब लोग परिवर्तन चाहते हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी यही लग रहा है कि 68% जो 2019 में था उसके आसपास ये ट्रेंड रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये 69, 67 यानी 70 से कम ही रहेगा। इसमें कोई ट्रेंड में कोई चेंज आने वाला मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि प्रेजेंट जो सिस्टम है कि 22% अब तक जो वोट डाली गई है ये काफ़ी कम है, जबकि आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में दो ही समय वोट पड़ती हैं, या तो 12 बजे या 12 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद। हाँ, क्योंकि वही बात अभी कहना बहुत शायद अर्ली होगा क्योंकि अभी सिर्फ 12:30, 12:25 का ही टाइम हुआ है, फिर फेस्टिवल है, वीकेंड है, शनिवार का दिन है, तो शहरी लोग अमूमन थोड़ा लेट घर से निकलते हैं, थोड़ा इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन 2014 में 76 और 2019 में 68% वोटिंग और 2024 में कितने परसेंट वोटिंग रहेगी ये तो शाम तक पता चलेगा। रुक करेंगे झज्जर का, जहां से दिनेश मेरे सहयोगी हैं, बताएंगे कि झज्जर में किस तरह का माहौल है। दिनेश बताइए, झज्जर में किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। दिनेश आप सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे दिनेश से। महिपाल जी, कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, निर्दलीय भी बहुत ज्यादा फाइट में है, लेकिन बहुत ज्यादा सीटों पर बाइपोलर कंटेस्ट देखने को मिल रहा है भाजपा और कांग्रेस में। ठीक है, आपने इस बात से मैं सहमत हूँ कि करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे निर्दलीय जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, उनमें से कुछ जीत भी सकते हैं। पिछली बार भी हरियाणा में आमतौर पे निर्दलीय की अच्छी संख्या होती है, पिछली बार भी 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स यहाँ से जीत गए थे। अब की बार मैं समझता हूँ कि 5-6 कैंडिडेट जीत सकते हैं, अच्छी तादाद में निर्दलीय लोग मौजूद हैं और उनकी अच्छी पकड़ है अपने उसमें इलाके में। तो जहाँ जहाँ भी दोनों पार्टी जो मेन स्ट्रीम की जो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनके कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, तो वहाँ निर्दलीय बीच से निकल सकते हैं, ऐसी स्थिति है हरियाणा में। लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे ये सुनने में आ रहा था कि मतलब फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है एंड कुछ निर्दलियों को किसी ना किसी पार्टी का सपोर्ट है, इस तरीके से भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। नहीं, दोनों ही बातें हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि कुछ निर्दलीय गंभीर भी हैं और अपने व्यक्तिगत तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको किसी पार्टी का, दूसरी पार्टी को सहयोग नहीं है। लेकिन दूसरे जो कुछ खेल को ख़राब करने वाले निर्दलीय भी बीच में हैं और उनको कुछ पार्टियाँ दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए उसकी जाति का आदमी खड़े कर देते हैं या उसी वर्ग का आदमी खड़ा किया जाता है या ऐसा उस इलाके का आदमी खड़ा किया जाता है ताकि वो दूसरे सामने वाले कैंडिडेट के की वोट तोड़े और उससे फ़ायदा हो उस पार्टी का। इसमें दोनों ही पार्टियां शामिल हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी ऐसा कुछ कर रही है। चलिए झज्जर का रुख करेंगे, दिनेश हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। दिनेश आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो किस तरह का वोटिंग पैटर्न वहां देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है झज्जर में?
जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जज्जर में चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, मतदाताओं में काफ़ी जोश है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर और जो लोकसभा में मुद्दे थे उनको ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। जज्जर जिले की बात करूं तो 25% तक मतदान जज्जर जिले में हो चुका है। और जो जज्जर की बादली विधानसभा सीट है, बादली विधानसभा सीट में जज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटों से अधिक मतदान अब तक हो चुका है। और सुरक्षा की बात करूं तो जज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3,000 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। अच्छा दिनेश, आपने आपने एक बात तो बताई कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लेकिन आपने साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि जज्जर की सभी विधानसभा सीटों में से बादली में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बादली से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, और उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप वत्स हैं, वहां पर कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है। और बादली में विधानसभा क्षेत्र में अब जब इलेक्ट्रिक चारों विधानसभा है उनमें सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है मतदान को लेकर, और वो मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने मत तो ये जो सबसे ज्यादा मतदान वहाँ हो रहा है ये किस बात का संकेत कर रहा है दिनेश? हालांकि बहुत अर्ली है ये, अभी इस पर मेरा ये सवाल करना या कुछ भी कंक्लूजन पर पहुंचना, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने बोला कि झज्जर में सबसे ज्यादा मतदान बादली में हुआ है, तो ये क्या संकेत कर रहा है आपकी समझ में? ग्राउंड पर हैं आप। जी बिल्कुल, बता दूं जैसे लोकसभा चुनाव में बादली विधानसभा क्षेत्र से भारी लीड दीपेंद्र हुड्डा को मिली थी, और जो स्थानीय मुद्दे थे या वो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महिला पहलवानों का मुद्दा था या फिर कृषि कानून का मुद्दा था, जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में थे उन्हीं मुद्दों को देखते हुए और स्थानीय मुद्दों को देखते हुए बादली विधानसभा क्षेत्र का मतदाता अब की बार मतदान कर रहा है। यही कारण है कि अब की बार बादली में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है। और प्रॉपर झज्जर की बात करें और जो बाकी की विधानसभाएं हैं वहां पर लोग कितना मुखर होके अपनी बात रख रहे हैं कि वो किस बात पे वोट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं झज्जर विधानसभा के बूथ नंबर 75 पर खड़ा हूं, जहां पर शहर के लोग आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर अपना मतदान कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को नज़र में रखते हुए झज्जर शहर के लोग मतदान कर रहे हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर की उनको देखते हुए झज्जर शहर के लोग मतदान कर रहे हैं। बादली हो, बहादुरगढ़ हो, बेरी हो, चारों विधानसभाओं पर लोग स्थानीय मुद्दों को और जो नेशनल मुद्दे हैं उनको देखते हुए अपना मत का प्रयोग